नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना अंतर्गत परोड़िया पंचायत के शाहबाजपुर गांव में शनिवार की अहले सुबह गठो थाना के मुंशी को स्थानीय गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि परोड़िया पंचायत का शाहबाजपुर गांव उजियारपुर थाना के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रत्येक दिन गठो थाना के सिपाही इस गांव में आकर चौक चौराहा पर चाय पी रहे लोगों को तथा शौच के लिए नदी किनारे जा रहे लोगों को तंग करते हैं और अवैध राशि की वसूली करते हैं। इसी क्रम में आज शनिवार की सुबह भी गठो थाना के सिपाही अपने चार पहिया वाहन से मोटरसाइकिल से जा रहे एक व्यक्ति को धक्का मारकर गिरा दिए तथा हेलमेट और कागजात की मांग करने लगे। मोटरसाइकिल चालक के द्वारा कागजात और हेलमेट नहीं देने पर पैसे की मांग करने लगे, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने गठो थाना के सिपाही को बंधक बना लिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बंधक बने सिपाही के साथ हाथापाई भी की गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गठो थाना के इस जवान ने शराब भी पी रखी है। सूचना पर पहुंची उजियारपुर पुलिस ने गठो थाना कर्मी को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं, इसकी पुष्टि मेडिकल जांच के बाद ही हो पाएगा। वहीं गांव के ही अनुज आशीष सिसोदिया का कहना है कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी इनके द्वारा चाय दुकान पर चाय पीने गए हमारे चाचा विश्वनाथ कुंवर से गाड़ी का कागजात मांगने लगे। उस समय उनके पास गाड़ी का कागजात नहीं था, जिसके कारण वह गाड़ी लेकर थाना चले गए तथा 20,000 रुपया लेने के बाद ही गाड़ी को थाना से छोड़े। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मामला सर ये है, मेरा जो थाना पड़ता है उजियारपुर थाना पड़ता है, और इनका जो एरिया है, एरिया भी नहीं है शाहबाजपुर, हम लोग का थाना उजियारपुर पड़ता है, फिर भी यह सुबह 7 बजे रेड मारने के लिए इधर आए, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कार, वो खुद ड्रिंकिंग किए हुए हैं। जो पुलिस है, घड़ो थाना के मुंशी बोलते हैं वो, अब खुद अपने आप को वो ये दरोगा मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आए हैं, एक आदमी को पीछा भी किए हैं अपनी कार से, और अपनी कार से बाइक में सामने से एकदम जस्ट सामने से धक्का मारे हैं, इसमें आदमी का मौत भी हो सकता है, और आप देख सकते हैं गाड़ी का क्या हालत हुआ है। और मैं उजियारपुर थाना को पिछले 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वो जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ ये बता रहे हैं मैं 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, मैं रेडी हो रहा हूँ, पिछले मैं 1 घंटा से उनको कॉल ट्राई कर रहा हूँ। आगे बढ़िए, पदाधिकारी को आप उसका सूचना दी है? हाँ, मैंने DSP को भी मैंने फ़ोन किया है, वो सर बताए हैं जो मैंने घड़ो थाना को भेजा है, और उजियारपुर थाना भी आपके पास जा रहा है, इसलिए वो आधा घंटे पहले बता रहे हैं, वही बताए जो 10 मिनट में पहुँच रहा है, अभी तक ठीक आधा घंटा हो चुका है, वो लोग अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आए। कितने यहाँ बैठे हुए थे? यहाँ पे 2-3 आदमी बैठे हुए थे। कहाँ के थे ये? गांव के ही है, घर के बगल के ही है। विकेश कुमार है जो बैठा हुआ था। तो कुछ दिन बाद ये एक्चुअली जो 1 महीना पहले मेरे चाचा जो है घट्टी पे चाय पीने के लिए गए अपने बाइक से गए। क्या नाम है उनका? विश्वनाथ कुंवर नाम है। सुबह 7 बजे की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। और वो जो मुंशी है घटो थाना के, जो वो गाड़ी खींच के ले गए और 20,000 रुपये मांगे तब जाके ये छोड़े हैं। क्या नाम है मुंशी का? KK सिंह। KK कुछ दिन पहले ये टाइगर पुलिस में थे, वहाँ से सस्पेंड होके यहाँ पे आए हैं, और वो 20,000 रुपये लिए हैं तब जाके छोड़े उस बाइक को, और वो बाइक की कागज भी सब कुछ टंच है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी 20,000 रुपये लिए हैं तब जाके ये लोग छोड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज आशीष सिसोदिया हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, मैं रहता भी नहीं हूँ यहाँ पे। ये लोग इतना मतलब ये किए हुए हैं जो टहलना मुश्किल है सुबह के टाइम में, तो कहीं पुलिस पकड़ के ले जाए, 20,000 रुपये फिर से कहीं ने मांग लिया हमसे, ये हालत किए हुए हैं ये सब। क्या बताइए? हमको बेटा को बहुत मारा है। बोन मारा? KK सिंह। क्या है, क्यों मारे, रीजन क्या था? लैटरिन इधर लैटरिन कहीं गाड़ी से आदमी जाता है? लैटरिन जाएगा तो कागज लेके जाएगा। लैटरिन गाड़ी से जाता है? गाड़ी यहाँ लगा के खेत में बैठा हुआ था, नदी किनारे सर ले, नदी है, नदी में गया था। क्या नाम हो लड़का का? विकास कुमार। बोलवा आपका? संगीता देवी। आप कौन हुए? ये पुलिस पदाधिकारी और फोर्स के साथ में ये रोड जो बन रही है उस पर जा रहे थे, कुछ गुप्त सूचना था उन लोगों का, और
और इसी के दौरान इन लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल अचानक पुलिस को देख करके और दाहिने काटे, इसमें हल्का टच कर गया, इसी बात को लेकर बवाल किया, बवाल करते हुए गाड़ी को रोक लिया। खेत में गाड़ी कैसे आ गई? उनका कहना है कि गाड़ी पीछे से आप मारे हैं। रास्ता भी नहीं है जाने का, रोड छोड़ के आप इतना कैसे आए? पूजा कर रहे हैं।